पंजाबी बिरादरी महासंगठन ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर एक सभा का आयोजन किया। इससे सभा में पंजाबी बिरादरी महासंगठन की तरफ से भाई बोधराज सीकरी ने बोलते हुए बताया कि आने वाले समय में वे और भी कई तरह के प्रकल्प शुरू करने जा रहे हैं पंजाबी बिरादरी महासंगठन की तरफ से गुरुग्राम के अंदर। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से वह पंजाबी बिरादरी महासंगठन शहर के अंदर लोगों की सेवा कर रही है और आने वाले समय में क्या किया जाएगा। इस समय पर मौजूद जो रहे गणमान्य व्यक्तियों ने अपने यहाँ आए हुए पंजाबी बिरादरी के भाइयों को सम्मानित भी किया और साथ ही अन्य लोगों को भी सम्मान दे करके विदा किया। आइए देखिए एक खबर। जय हिंद। के प्रधान ने मिलकर के पहले तो निर्णय लिया कि हमें एक संगठन बनाना चाहिए। उसके बाद कुछ एक बुद्धिजीवी जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे उन बिरादरियों के, उन्होंने एकत्र होकर के यह निर्णय किया कि एक व्यक्ति को क्यों उत्तरदायित्व दिया जाए। तो यूनानिमसली यह निर्णय हुआ कि इस संगठन का जो कार्यभार है, प्रथम जैसे कहते हैं ओपनिंग बैट्समैन की बात है, मुझे उत्तरदायित्व दिया गया तो बिना किसी भेदभाव के और निर्विरोध चुना गया। और अब एक वर्ष उसका पूरा हुआ है। एक वर्ष के दौरान हम निरंतर समाज के कई प्रोजेक्ट, अभी तक लगभग 56 प्रोजेक्ट हो चुके हैं, जो बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई जाति नहीं देखी जाती, कोई वर्ग नहीं देखा जाता, हर जाति हर वर्ग के लोगों को हम सेवा प्रदान कर रहे हैं। और हमारा संकल्प यह है कि आने वाले दिनों में और गति पकड़े उस सामाजिक कार्य में, ताकि जो हमारे असहाय लोग हैं, जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, उनकी हम समाज में मदद करें। सर, किस तरह के और आने वाले प्रोग्राम जो हैं वो किए जाने वाले हैं? हमारी जो वरीयता है, सबसे पहले वरीयता है हमारी वेलनेस सेंटर। हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से डिस्कस किया है, एक जगह शॉर्ट लिस्ट भी की है, अगर हमें जगह लीज़ पर मिल गई तो एक वहाँ पर हम वेलनेस सेंटर शुरुआत करेंगे सबसे पहले जी। उसमें गरीबों को फ्री कंसल्टेशन और फ्री ही दवा मिलेगी, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, जो मर्जी आए वहाँ पर। उसमें होम्योपैथी, एलोपैथी, फिजियोथेरेपी शुरुआत ऐसे होगी। इसके बाद जो हमारा अगली प्रायोरिटी है वो है पंजाबी भवन बनाने की। हमने ऑलरेडी मुख्यमंत्री महोदय को अपनी प्रार्थना दी हुई है प्लॉट अलॉटमेंट के लिए, आवंटन के लिए। आशा है कि एक महीने के अंदर हमें प्लॉट मिलना चाहिए, फिर उसका निर्माण, फिर उस भवन के अंदर भी हम इस प्रकार की वेलनेस सेंटर की स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ देना चाहते हैं। और प्लस आज हमने एक और निर्णय लिया है कि जो हमारे पंजाबी बेचारे गरीब हैं और वो कई सुविधाओं से, जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी हाल ही में आयुष्मान भारत के जो 28 लाख परिवारों को, यानी लगभग 25 करोड़ आधी आबादी हरियाणा की कवर की है, लेकिन उसके बावजूद भी कई वंचित रह जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर भी हमारी प्रायोरिटी रहे आने वाले दिनों में। हम उसके ऊपर गंभीरता से करना चाहते हैं। एम्बुलेंस हमने एक ऑलरेडी बुक कर रखी है, वो हम समाज को देना चाहते हैं। उसमें कोई व्यवसायीकरण नहीं होगा, फ्री सर्विस होगी। एक हमने शव वाहन शमशान घाट को भी हाल ही में दी है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी हैं CMO हरियाणा के, उनकी प्रार्थना आई थी कि कई लोग बेचारे गरीब जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके पास अपने गांव ले जाने के लिए सुविधा नहीं होती, वो हम सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक हमने फ्री ट्यूशन का हमने कार्यक्रम शुरू किया है हाल ही में, 2 महीने पहले हमारी महिला प्रकोष्ठ की जो टीम है। और एक जो है हमने आज एक फैसला किया है, 50 गरीब परिवारों की हम बीमा कर रहे हैं। आज हमने निर्णय लिया है अपनी बैठक में, उनका 3 लाख का बीमा बिरादरी की रखता है। अब रिश्ते बनेंगे हेल्थ का, ताकि कई बार वो सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, तो हाँ, इन सुविधाओं के कारण उनका कोई गलत मृत्यु ना हो। तो ये हमारा एक संकल्प है। बाकी समय समय पर कंबल वितरण का हमने आज निर्णय दिया है, लोगों ने 5 लाख रुपये इकट्ठे करके दिए हैं। जैकेट वितरण करेंगे, जैसे मकर संक्रांति वाले दिन अलग अलग आर्य समाजों में हम घी और सामग्री वितरण करेंगे। केंद्रीय सनातन धर्म सभा, जिसमें सुरेंद्र खुल्लर जी हमारे प्रधान हैं और मैं वहाँ का मुख्य संरक्षक हूँ, उन मंदिरों में जाकर के हम खिचड़ी का प्रसाद वितरण करेंगे। गौशाला में जाकर के गौओं की सेवा करेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। ईश्वर कृपा हुई तो ईश्वर की अगर लोगों का सहयोग रहा तो इन जो हमारे सुख प्रोजेक्ट हैं इनके बढ़ोतरी। धन्यवाद।
सर एक बार अनाउंसमेंट करता हूँ, हमारे गुरु जी के बिना ज्ञान का। हाँ जी, विजय वर्मा जी का, विजय वर्मा जी, विजय इनके कोच और गुरु जी विजय वर्मा जी, ये थोड़ा और भी जगह व्यस्त रहते हैं कई बार। और काफी है। एक बार गुरु जी आओ ना, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ना सर, वर्ल्ड के लिए एक और गेम में दो लड़कों का चयन हो रखा है, एक मेरा और एक कृष्णा जी का, जो नेपाल गए। अनाउंसमेंट कर दो सर, ये फरवरी के अंदर। हाँ जी, फरवरी के अंदर दो बच्चे नरेश जी और नवन, ये नहीं कृष्णा जी, कृष्णा जी वर्ल्ड चैंपियन खेलने नेपाल जाएंगे। हम इनसे भविष्य के शुभकामनाएं देते हैं पंजाबी बिरादरी महासंगठन की ओर से, तो वहां से भी एक गोल्ड मेडल, वर्ल्ड चैंपियन बने, गोल्ड मेडल लेके जीते। और हमारा पंजाबी बिरादरी का भी हमारा ये मान सम्मान इससे होता है जब बच्चे ऐसे कार्य करते हैं अच्छे और ऐसे नाम कमाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधान जी का भी। हाँ जी, हाँ जी, जय माता दी, ये सामने।